मध्य प्रदेश के हरदा में 27 जुलाई से मूंग खरीद शुरू कराने के लिए प्रयास चल रहे हैं और प्रदर्शन को किसानों ने फिलहाल स्थगित कर दिया है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने शुक्रवार को धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत की। कृषि मंत्री से आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने अस्थायी तौर पर धरना खत्म करने का फैसला लिया। भारतीय किसान संघ की अगुवाई में धरना दे रहे किसानों ने कृषि मंत्री कमल पटेल को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जल्द मूंग खरीद शुरू करने, बाजार भाव और एमएसपी के अंतर के नुकसान की भरपाई करने, गेहूं खरीद पर बोनस देने, मंडी में इलेक्ट्रॉनिक प्लेट कांटे, उपज की जांच के लिए आधुनिक मशीनें, खाद की सप्लाई जैसी 15 मांगे की गई। वहीं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में गेहूं की ज्यादा खरीद होने से वेयरहाउस में जगह नहीं है, इसलिए भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था न होने की वजह से मूंग की खरीद में देरी हो रही है। और इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय किसान संघ प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य योगेंद्र सिंह भांबू, जो कि हरदा मध्य प्रदेश से हैं। आपका स्वागत है किसान बुलेटिन में। ये बताएं कि आपने अपना धरना स्थगित कर दिया है। आपकी एक प्रमुख मांग थी कि मूंग की दाल का एमएसपी पर खरीदी हो, लेकिन हम लंबे समय से इस खबर पर अपडेट देते जा रहे हैं दर्शकों को कि जो मंत्री हैं कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने बोला था पहले कि हम शुरुआत करेंगे खरीदी की, उसके बाद बोला कि वेयर हाउस में जगह नहीं है। अब जब वो आप सबके बीच में आए, उन्होंने क्या कारण सामने रखा और उस कारण से जो किसान हैं उनकी किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? अब किसानों को तो दुख है मैडम, पर मंत्री जी का कहना यह है कि हमारे पास में पूरे प्रदेश में रखने को स्थान नहीं है। हमारे को जो 100 क्विंटल गेहूं खरीदना था उसकी जगह 140 क्विंटल खरीदा, इसलिए पूरे प्रदेश में रखने के लिए स्थान बिल्कुल नहीं है। तो किसानों ने कहा है कि भाई आप हमारे को भावांतर की राशि दीजिए, यदि आप खरीद नहीं सकते हैं तो इसी तरह से करके किसानों को सहयोग तो करिए। योगेंद्र जी, पहले मैं इस कारण पर आती हूं, आप लोगों को ये कारण कितना सही लग रहा है? अगर मंत्री जी ये कह रहे हैं कि गेहूं का उपार्जन बहुत ज्यादा हो गया और अब जगह नहीं है रखने की, तो ये तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि जो किसान अगर उत्पादन कर रहे हैं फसल का और उस पर वायदा किया गया कि उसकी खरीदी होगी और फिर ये कहकर उसको नहीं खरीदना कि जगह नहीं है, ये कितना अहम कारण आप इसको मानते हैं, कितना अहम रीजन मानते हैं आप इसको? ये तो मैडम बात तो ठीक है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि सरकार कोई धोखाधड़ी कर रही है, लेकिन हमारी क्षतिपूर्ति दूसरी प्रकार से कर दे ना वो। ये सही बात है कि उन्होंने जो है बहुत ज्यादा मात्रा में गेहूं की खरीदी करी है और इस बार नीचे का किसान जो है उसकी खरीदी हो पाई है, ये सही बात है। तो हमारे को क्षतिपूर्ति दूसरी प्रकार से दे तो ये बताएं, जब आप लोगों की अब मांग है कि भाव का जो अंतर है उसे दें, तो जरा गणित समझाएं कि अभी क्या भाव पर बिक रही है और एमएसपी क्या भाव था। मेरे हिसाब से कुछ 1500 प्रति क्विंटल का घाटा उठा रहे हैं किसान, तो आपको लगता है कि भाव अंतर, जो भावांतर है, वो इसमें सफल होगी जिस तरह का आश्वासन दिया है मंत्री जी ने? देखो मैडम, अब ये तो सरकार का काम है, सफल करती है या नहीं करती है ये तो उनके हाथ में है, लेकिन देती है तो ठीक है, नहीं तो किसानों का खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा है, जिस भाव पर भी मूंग जा रहा है। इस वर्ष पहली बार हम सब लोगों ने बोया, सभी के लिए, सरकार के लिए भी पहला प्रयोग था, हम उससे नाराज नहीं है, लेकिन वायदा करके और पूरा नहीं कर पाए उस चीज का हमारे को तकलीफ है। और अभी भाव अंतर दे दें तो हमारे को उसको हम मान लेंगे। और आपकी क्या प्रमुख मांगे थी? फिलहाल आपने स्थगित कर दिया है अपना आंदोलन, लेकिन आगे चलकर आपका, आपके संगठन का कहना है कि अगर जो हमसे वायदे हुए हैं वो पूरे नहीं होंगे तो हम एक बार फिर से आंदोलन करेंगे। क्या प्रमुख मांगे थी इसके अलावा? मुख्य विषय तो अभी मूंग का चूंकि विषय था इसलिए वो हाईलाइट अधिक हो गया,
मुख्य विषय हमारा यह है कि विगत 70 वर्षों में अभी तक हमारे को जो सरकार द्वारा घोषित जो मूल्य रहता है वो अभी तक नहीं मिल पाया, किसी भी सरकार ने नहीं दिया, ना पूर्व की सरकारों ने दिया है ना अभी की सरकार ने दिया है। जब मूल्य घोषित होता है इट इज सपोर्ट प्राइस, सपोर्ट यानी बिल्डिंग गिर रही है तो उसमें टेका लगा दो, ये वाला प्राइस होता है जी। ये मकान गिर रहा है तो टेका लगा दिया तो वो नहीं गिरेगा, छत नहीं गिरेगी, कुछ दिन निकाल देगी, ये प्राइस होता है सपोर्ट प्राइस। और हमारे को ये भी नहीं मिल रहा है, तो हमने एक विषय ये निकाला है कि सारी कृषि उपज मंडियों में हमारी जो FAQ की जो फेयर एवरेज क्वालिटी का जो हमारा किसान माल लेकर के आता है उसको ये अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और उसको कह देते हैं कि जी अच्छी क्वालिटी इस फेयर एवरेज क्वालिटी का नहीं है, एवरेज क्वालिटी से कमतर है। इसलिए हमने कहा है कि भाई पूरे प्रदेश में जो है वो हरदा से शुरू करके और आप ये जो है ये जो डोकेज टेस्टर मशीनें हैं वो लगाएं और हमारे माल की हमारे को गुणवत्ता की रिसिप्ट दें कि हाँ आपका माल गुणवत्ता युक्त है, और फिर यदि कम भाव पे जाएगा तो हम कोर्ट में जाने लायक हो जाएंगे। अभी कोर्ट में हम जा नहीं सकते हैं, कोर्ट में यह दिखा दिया जाता है कि आपका जो है वो माल कम गुणवत्ता का है। तो ये डोकेज टेस्टर मशीनें यदि लगेंगी तो हम इसके लिए, तो यदि जो फेयर एंड एवरेज क्वालिटी ये मशीन अगर आ जाएगी तो जांच परख कर आपके हाथ में एक सबूत होगा कि आपकी जो फसल है उसकी कैसी गुणवत्ता है। इस पर मंत्री जी का किस तरह का आश्वासन? उन्होंने हरदा जिले को इसके लिए जो है वो पहला जिला बनाने का और चारों मंडियों में जो है वो मशीनें ला करके और बहुत जल्द से जल्द जो है हम लगाएंगे, इस प्रकार का आश्वासन उन्होंने दिया है। एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हरदा से इसकी शुरुआत कर देंगे, ऐसा उन्होंने वायदा करके कहना जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो मांगे हैं उनमें जो प्रमुख मांगे हैं उन पर कम से कम जो किसान हैं वो संतुष्ट हों। धन्यवाद बातचीत के लिए।